श्रीलंका में पिछले 3 महीने से जारी आर्थिक और राजनीति संकट के बीच शनिवार को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़ के भागने की खबर सामने आई। आपको बता दें कि सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि गोटाबाया ने राष्ट्रपति भवन छोड़ने से पहले प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे से बात की थी। इसमें गोटाबाया ने कहा था कि वे इस्तीफा दे देंगे। आपको बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों के कब्जे के बाद वहां उनकी मस्ती और गैर जिम्मेदार हरकतों की तस्वीरें सामने आ रही थी। सोमवार सुबह प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन के ग्राउंड में जमा कर कचरे को साफ करके अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने ग्राउंड को पूरा साफ किया और कचरा जमा करके उसे थैलियों में पैक करके फिकवाया। उन्होंने कहा कि यहाँ गंदगी हमने फैलाई थी, इसलिए इसे साफ करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र है, हम यहाँ व्यवस्था बदलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन में खुफिया रास्ता होने का भी दावा किया गया है। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों का दावा है कि राष्ट्रपति अपनी जान बचाकर इसी खुफिया रास्ते से देश छोड़कर भागे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।